पापा जी का। हेलो, मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। लिपस्टिक चिपक रही हो गया ऐसा है। लिपस्टिक चिपक रही रिटायरमेंट ने मैंने मेरे पापा से खड़े हो गया ऐसे। दादी ओम जय जगदी। दादी सुनो एक बात बताओ, हम ना गाड़ी से अंदर आए, दिखा दूंगा आपको। दादी गाड़ी से अंदर आए, सामान भी नहीं निकाला, थाली लेके गेट पे ड्राइवर और अंकल और ऐसे देख रहे, बोली हो क्या आया क्या, और हमें कुछ खुद पता नहीं हो क्या आया, हम ऐसे देख रहे अंदर। मामा जी देख रहे, बोली गए गाय जिसकी पूजा करते, मामा जी के ऐसे देख रहे थे। तो हम बाहर आए, मैंने बैग भी नहीं निकाले थे। हेलो गाइस, जैसे कि आप सबको पता होगा, बहुत वीडियो आपने देखी होंगी, नहीं भी देखी तो मैं आपको बता देता हूँ। आज की डेट है 1 अक्टूबर 2024 है। आज क्या हुआ था? आज हुआ था हमारा गौर लखनऊ का स्थापना दिवस है, जो जहाँ की कालू के डांडा में आई थी। कहाँ से आलू मारा से 1921 में 1887 में ये रेज हुई थी। अब ये कालू के डांडा तब से वहाँ का नाम है भी लैंसडाउन भी है। कालू के डांडा पहले वाले थे लैंसडाउन। और अगर एक और चीज़ें जो कि पापा जी का रिटायरमेंट वैसे तो कल हो गए थे ना 30 सितंबर 2024 को रिटायर हो गए थे, और आज यहाँ पे रिटायरमेंट सेलिब्रेशन हो रखा है पापा जी का। हेलो, मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी रिटायर्ड, हैप्पी रिटायरमेंट डे। मैंने रिटर्न्स आउट देते, कॉन्ग्रेचुलेशन। यहाँ पे वैसे मम्मी जी भी आगे बोल रही है, अभी रुक जा। देखो तो वैसे कुछ क्वेश्चन पापा जी ने अभी लिख के लेके आने पड़ेंगे, अभी याद तो नहीं रह रहा ना जो जो हमको ऑन द स्पॉट ऐसा है। सवाल इनके हैं कि आप क्या करोगे। हाँ, अब जैसे पापा जी रिटायर्ड हो गए तो अब क्या करेंगे, हम ये जानना चाह रहे हैं। तो मैं ये करता रहूँगा। तो कुछ तो करोगे ना, कुछ क्या आराम करूँगा, उसके बाद खा पी तो वहाँ पे आप यहाँ के करोगे, थोड़ा देर आराम करेंगे। उसके बाद ऐसा है कि थोड़ा मोटा काम तो करना पड़ेगा, जैसे कुछ ना कुछ, जैसे अब वो भी लगने वाले खेत में कुछ ना कुछ करेंगे। ऐसा है कि वैसे भगवान ने इतना दे रखा है कि कुछ करने की जरूरत नहीं है। वो लोग भी तो खा ही रहे हैं जिनकी बात कुछ नहीं है। मैडम जी तैयार होके बिल्कुल खड़े हो जाओ। अल्लाह साहब क्यों मेरे से बड़ी हो, खड़े हो जाओ। वैसे यहाँ पे मम्मी जी भी दे दिया कुछ, वो भी तो है। यहाँ पे दादी देख रही होते रहे, अब मैं गिफ्ट रख रहा हूँ। अच्छा बैठ जाते हैं, वीडियो बन रही है। वैसे यहाँ पे बैठ जाते हैं थोड़ी देर, बैठ जाओ आप भी। हाँ जी, कुछ बोलना चाहोगे आप हमारे दर्शकों को? बोलो कुछ। अरे बोलो, वीडियो खींचनी है, बस 2 मिनट की होगी। खुशी इतनी हो गई कि मुंह से शब्द नहीं निकल रहे। सही बात, आप बोलो ना। खुशी हो रही क्या, मुंह से शब्द नहीं निकल रहे। क्या निकल रहा मुंह से, क्या बोलो? अभी तैयार होके आ रखे, लिपस्टिक चिपक रही हो गया ऐसा है। लिपस्टिक चिपक रही, शब्द नहीं चिपक रहे। वो आपके पतिदेव घर आ गए, वो अच्छा तो हमको भी लग रहा है। वो अच्छा, अरे वो अच्छा। मैं अपने बेटे को फोन दे रही हूँ, आज मेरा बेटा रिटायर हुआ आर्मी से, मुझे बहुत खुशी हो रही है। गाइस हम चलो माला पे नाचते हैं। 24 साल बाद रिटायर हुआ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आज तक देश की सेवा कर रही हूँ और माँ की सेवा कर रही हूँ, तो सोचा भी नहीं था। थोड़े बहुत कहीं पे दादी गुस्सा हो गई थी, ये क्या कर रही, ये वो सो, कहीं पे हम गुस्सा हो गए थे। हम गए, एक बात बताओ, हम ना गाड़ी से अंदर आए, दिखा दूंगा आपको। दादी गाड़ी से अंदर आए, सामान भी नहीं निकाला, थाली लेके गेट पे ड्राइवर और अंकल और ऐसे देख रहे, बोली हो क्या आया क्या, और हमें कुछ खुद पता नहीं हो क्या आया, हम ऐसे देख रहे अंदर। और मामा जी देख रहे, बोली गए गाय जिसकी पूजा करते, मामा जी के ऐसे देख रहे थे। तो हम बाहर आए, मैंने बैग भी नहीं निकाले थे, सीधा पापा ऐसे खड़े हो गए ऐसे। दादी ओम जय जगदी। दादी सुनो, गेट ही में अंदर भी नहीं आने दिया। चलो ठीक,
वो तुम्हारी गलती है, देख रहे हो हमें पापा जी, हमें कुछ पता था नहीं, हमें कुछ पता नहीं था ये सब, या दादी ने पता नहीं कब कब क्या किया अकेले में। हाँ अरे कुछ ही मामा भी आ जाते, बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं सही की तैयारी सबको अच्छी लगी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। गाइस यहाँ पे पूना मामी जी देखो जाते हुए जबरदस्ती हम रोक रहे, मामी जा रही ना, मैं जा रही भाई तो हाँ अभी आपने दूसरी ड्रेस पहनी थी, अभी ये की पहनी है आपने, चेंज की नहीं है, इससे तो कोई टॉपिक ही नहीं है। बोलो ना क्या पूछना है मेरे को, क्या पता है उसको छोड़ने। अच्छा हाँ ठीक है, तो अपना रूटीन बताओ क्या क्या करते हैं आप रोज आ रहे हैं। हम पहले सुबह 4 बजे उठते थे और अब 8 बजे उठेंगे, अब 8 बजे उठेंगे, चाय पीते थे, पानी चाय ब्रश ब्रश हुए, अपना फ्रूस कॉम्लेट दाली पूरी बनाई और पीटी में गए और बाकी आगे बताओ। तो गाइस सुना आपने कैसे कैसे रोज ही चला 24 संडे को नहीं चलता था। संडे तो अभी साल हो गए पापा जी को, और एक साल में कितने संडे होते हैं, 53 संडे होते हैं एक साल में, 52 53 होते हैं लीप ईयर, 50 लीप ईयर में 53 हो जाते हैं। तो फिर 24 साल में हुए होंगे बहुत सारे, कितने कम से कम, बहुत होंगे। अब इतना पानी कंप्लीट कर रहा हूँ संडे करके, वही बड़ी बात है। और बताओ कुछ चाय पानी और क्या है, बस ये आज थोड़ा ये फोटोग्राफी के लिए ड्रेस पहनी है, आज लास्ट डे है तो इसके बाद हमको ड्रेस पहनने का मौका शायद मिलेगा, इसलिए हमने आगे ड्रेस पहन लिए, फैमिली के साथ फोटोग्राफी वगैरह हो रही है और बस आगे हम सही सलामत अपने दो हाथ भी उपहार लेके, उसे तो अच्छी बात है। और कैसा लगा आपको आर्मी सर्विस करके? मेरे को तो सच बताऊँ तो अभी भी मन ऐसा नहीं लग रहा कि मैं घर आ गया, और आपके रिंग में बहुत अच्छा लग रहा है, बार बार देख रहा हूँ इसको, बार बार देख रहा हूँ। ये किसने दिया आपको? ये मेरी मम्मी लाई मेरे लिए, देखो ना वही वही पूछ रहा हूँ भाई जी, देखो कैमरा मैन जरा आ गया, ये पापा जी की मम्मी ने दिया, मतलब दादी जी ने गिफ्ट कर दिया पापा को। और आपको लग रहा होगा मिसिंग है, तो मम्मी मिसिंग हो रही थी, मम्मी साड़ी पहनने जा रही थी, बोली तुमने कपड़े चेंज कर दिए, मैंने भी चेंज किया अभी पापा जी ने भी, और मम्मी बोली मैं भी चेंज करके आ रही थी, और मम्मी आ रही। और आपको सरप्राइज कैसे लगा आपको? मेरे को सरप्राइज बहुत ही अच्छा लगा, पर लेकिन बट मौका नहीं दिया। हाँ पापा जी कुछ पता ही नहीं था, सब ऐसे हो कि आते ही हो सब कुछ, इन्होंने मेरे को कुछ नहीं बता रखा था, मेरे को थोड़ा उस चीज में बड़ा खेद है, बताना चाहिए। तो आप एक बार बताओ, सरप्राइज तो वही होता है जो पता ना हो, अब पता हो तो फिर क्या सरप्राइज हो, है ना? नाम भी तो मैंने सुना है, जो मतलब आ रखे थे जिन जिनको दादा ने बुलाया था उनको खुद पता नहीं था, वो कितने 11:30 से आ रखे थे, 11:30 से दो दो चार चार चक्कर, इन्होंने हमारा बहुत ही इंतजार किया, अगर हम तड़केश्वर महादेव नहीं जाते तो हाँ आराम से आ जाना था, बहुत अच्छा होना था। अच्छा तो अभी हुआ है, ऐसी बात नहीं है, मंदिर में गए और वहाँ पर तो शांति एरिया है, भगवान भोलेनाथ की जगह है, वहाँ पर भगवान एक ऐसी जगह जाते हैं जहाँ की शांति लगता हो, पहले इंसान ऐसा है कि भगवान को ढूंढ ही देता है, हनुमान जी आए थे ट्यूजडे था, आज ट्यूजडे है आज, ऐसे उन्होंने हमसे एक ड्राइवर का प्रसाद छीन लिया और हमारा नारियल लेके चले गए, ऐसा है वैसे थोड़ा डर, नारियल लेके चले गए वहाँ से। जब मैं आया था तो इन्होंने कहाँ से गिलास में दिया मेरे को पानी, रब देखो रात पूरी कल से देखना थाली में थाली। तो दगड़े आपका ब्लॉग कन लगी, रिटायरमेंट पार्टी कन लगी, कमेंट पे जरूर लिखना, पार्टी तो नहीं थी, छोटे छोटा मोटा सेलिब्रेशन था ये, पार्टी अब होगी ग्रैंड पार्टी, पार्टी अभी बाकी है, बोलते ना ये ट्रेलर था, पार्टी अभी बाकी है। तो आई होप आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो, ब्लॉग अच्छा लगा हो तो तो जितने सब्सक्राइबर हैं मैं तो बोलता हूँ सारे के सारे पार्टी में आ जाना, आपको वेलकम है। तो गाइस आज का ब्लॉग एंड करते हैं, आई होप आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो, तो ब्लॉग अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, पहले तो आप नए हो सब्सक्राइब जरूर करो,
ठीक है, तो आपको कंटिन्यू ब्लॉग आएंगे, अभी तो आपको पूरे कालू के डांडा लंच ग्राउंड का पूरा व्यू आएगा, लास्ट में टाड़के सर का भी आएगी और आज रिटायरमेंट वाली भी पार्टी आ रही, तो कंटिन्यू ब्लॉग देखने को मिलेंगे। भाई अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जरूर कर, वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट जरूर से करना, हमें पता लग जाता है कौन कौन वीडियो देख रहा है, कौन कौन कमेंट कर रहा है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग नेक्स्ट तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। यहाँ पे गई हमारा कैमरा मैन, इनको भी शॉर्ट आउट देना बनता है, देखो खड़े होना यार।